फैमिली आईडी जो आपने बनवाया है, तो जो उसका इनकम होता है वो इनकम अपडेट नहीं हुआ होता है जब आपका फैमिली आईडी बनता है। वो आपको 1 वीक के बाद अपडेट होता है कि आपकी फैमिली आईडी में इनकम जो है वेरीफाइड होकर के कितना आता है, ठीक है, 1.80 आता है या फिर जो भी आता है। उसको बाद कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इनकम चेक करेंगे कि जो जो वेरीफाइड हुआ है, वेरीफाइड जो इनकम है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं फैमिली आईडी को डाउनलोड करके और उसका फैमिली इनकम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस फैमिली आईडी पे जो इनकम आपने दिया है वो वेरीफाई होके अपडेट क्या हुआ है, ठीक है, क्या इनकम आया है, क्या उसका बीपीएल कार्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है, क्या आवास योजना में हम फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये पूरी डिटेल बताने वाला हूँ बिल्कुल विस्तार से। हेलो दोस्तों, मेरे नाम है आशु, आप देख रहे हैं ले रेट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ गूगल पे आते हैं, यहाँ सर्च करते हैं PPP, ठीक है। यहाँ सर्च होने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अपडेट फैमिली आईडी, यहाँ ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम अपडेट फैमिली आईडी, इंडेक्स में इसको कर देते हैं। डू यू नो परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी, क्या आप आपका फैमिली आईडी जानते हैं, तो यस, नहीं जानते हैं तो नो, ठीक है। अब यहाँ पे नो कर दिया मैंने, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जिनका नया नया फैमिली आईडी बना है, बट वो उनको पता नहीं है तो वो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इंटर आधार नंबर, अब यहाँ आधार नंबर इंटर करेंगे, जो आधार नंबर है वो इंटर करेंगे, ठीक है। आधार नंबर इंटर किया, उसके बाद जो रजिस्टर्ड नंबर है उस रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। अब ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे जो भी आया है, इंटर किया और प्लस यहाँ 1+1 2 होता है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइड ओटीपी करेंगे, ठीक है। अब ओटीपी वेरीफाई कर रहे हैं हम। अब देखिए हमारा जो डिटेल है ना फैमिली आईडी, वो खुल के आ गया है, ठीक है। अब फैमिली आईडी खुल करके आ गया है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐड मेंबर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से ऐड मेंबर कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मेंबर, यहाँ हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो हम डिलीट नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रिंट पीपी फॉर्म स्टेप, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फैमिली आईडी डाउनलोड हो रहा है, ये हमारा फैमिली आईडी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका है, ये डाउनलोड हो गया। अब ये आपका है जो फैमिली आईडी है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, किसी को भी बताना होगा, निकालना होगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए इनकम, यहाँ देखिए लेकिन फैमिली इनकम वेरीफाइड 1,40,000 से लेकर के 1,80,000 तक का आया है मेरा वेरीफाइड होने के बाद, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम बीपीएल कार्ड भी बना सकते हैं, प्लस बीपीएल कार्ड के साथ साथ यहाँ पे हम आवास योजना में भी फार्म भर सकते हैं। अगर सिर्फ यहाँ पे 1.80 से ऊपर होता है आपका इनकम, अगर 1.80 यहाँ होता है, यहाँ से ज्यादा होता है 1.80 से, तो आप आवास योजना में फार्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर आपका यहाँ पे 1.80 से ज्यादा इनकम है तो आप बीपीएल कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां से व्यू प्रीवियस अपलोड डॉक्यूमेंट, यहां सबमिट, ठीक है। अब यहां क्या करते हैं, यहां से प्रिंट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां प्रिंट पे हमने क्लिक किया और ये हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। थोड़ा टाइम लग रहा है, यहां पे देखिए लोडिंग प्रीवियस बता रहा है। अभी हमारा फैमिली आईडी यहाँ पे खुल के आ गया है, ठीक है, जो कि 2 पेज में दिखा रहा है। अब इसको फैमिली आईडी आ गया, वेरीफाइड हो गया। अब इसको यहाँ से प्रिंट मारेंगे और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।